भैया आज आज ऑर्डर कैसे आया आपके पास? क्यों? तो व्लॉगिंग चल रही है क्या? सारे दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? भाई जोमेटो में जो है बोनस के नाम पर सभी राइडरों के लिए, जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं उन सभी के लिए इंसेंटिव रखा गया है। तो क्या इंसेंटिव रखा गया है वो मैं आपको जो दूसरा फोन की स्क्रीन पर जो जोमेटो कैप है, जोमेटो डिलीवरी कैप, उसमें चल के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं जो है भाई रेडी शेडी हो रखा हूँ जोमेटो में काम पर जाने के लिए, यानी आज काम भी करूँगा और आपको साथ ही साथ ही ये इंसेंटिव भी दिखाता हूँ कि क्या जो है जोमेटो ने उनके डिलीवरी पार्टनर के लिए इंसेंटिव रखा है। तो भाई अभी जो है समय हो गया 11:16 और जोमेटो डिलीवरी ऐप ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपर ही चल रहा है, दिवाली दिवाली स्पेशल इंसेंटिव, 8 ऑफ़र फॉर यू, मतलब 8 टोटल ऑफ़र हैं। और आज मुझे काम पर जाना है, 23 तारीख को 12 बजे से काम शुरू करेंगे। भाई टोटल गिग दिखा देता हूँ मैं आपको, आज के अपने टोटल गिग भाई 12 से 1, 1 से 3, 3 से 4, यानी 12 से 4 ये 3 गिग हो गए, और 7 से 11 तक ये 3 गिग हो गए। तो आज का एक आज का भी इंसेंटिव है एक, देखो भाई ये वाला। तो इसमें अपने को वैलिड फॉर लंच, यानी लंच में 12 से शाम के 7 बजे तक मान लो, या 12 से 4 बजे तक ये लंच चलेगा। उसमें अपने को कितने 3 गिग कंप्लीट करने रहेंगे, फिर अपने को जो है 125 रुपये मिलेंगे। तो मेरे 3 गिग जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर मतलब बुक कर लिए हैं, लंच का 1 गिग छोड़ दिया है 4 से 6 वाला, 12 से 4 3 गिग अपन ने कर ही लिए हैं। और शाम को भी आज ही मतलब एक दिन में दो जो है इंसेंटिव चल रहे हैं, एक इंसेंटिव ये है, और आज ही 23 तारीख को दूसरा इंसेंटिव है। आपको 1 गिग्स कंप्लीट करना है, आपको 125 रुपये मिलेंगे, ये वैलिड है डिनर के लिए। तो ऐसे एक दिन के लिए दो 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 कुछ इंसेंटिव रखे गए हैं। अब देखो 23 तारीख को दो हैं, अब मैं आपको 24 तारीख का दिखाता हूँ। 24 तारीख को 4 गिग कंप्लीट करना है, लंच में आपको 150 रुपये मिलेंगे, और 24 तारीख को 1 गिग कंप्लीट करना है डिनर में, तो आपको 300 रुपये मिलेंगे, यानी 300 और 150, 450 रुपये आपको 24 तारीख को इंसेंटिव मिलेगा। और 25 तारीख का है भाई लंच, डिनर में 1 गिग कंप्लीट करना है 250 रुपये मिलेंगे, और दूसरा 25 तारीख को लंच में 4 गिग कंप्लीट करना है 100 रुपये मिलेंगे। तो इस दिन कितने हो गए भाई, 350 इस दिन है, 26 तारीख को 175 और 100 का, तो टोटल हो गए ये 275। तो इतने जो है 8 ऑफर फॉर यू, मतलब 3 दिन, 23 से लेकर 26 तक 3 दिन जो है ये इंसेंटिव चलने वाले हैं। दिवाली के बोनस पे भाई जो है राइडर को यह इंसेंटिव मिलने वाला जो भी वो काम करेंगे। तो चलिए भाई मैंने देखो गिग जो है 4 और 5 दिन की बुक कर रखे हैं, 23 के भी, 24 के भी, 25 के भी, 26 के भी। अब इस ओवर में भाई मैं आपको लंच की गिग बता देता हूँ और डिनर के कौन से होते हैं। तो लंच की गिग जो है भाई ये 12 बजे से स्टार्ट होते हैं, 12 से 4 ही लंच के गिग हैं, और डिनर के गिग 7 से स्टार्ट होता है। तो 7 से 10 वाला ये डिनर का गिग, ये मेन गिग है, यानी ये तो आपका कंप्लीट होने ही होना चाहिए अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो, ये वाला। तो इसलिए डिनर का गिग के लिए वैलिड रहते हैं ये वाले, जिसमें ऐसा लिखा डिनर फॉर वैलिड फॉर डिनर गिग, इसका मतलब आपको 7 से 10 वाला गिग तो एक कंप्लीट करना ही करना है। तो भाई ये देखो जोमेटो का जो हमारी लोकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये मैसेज आया कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और इंडिया पाकिस्तान मैच का तो भाई सभी को इंतजार रहता है। तो आज जो है मतलब सभी लोग दिवाली भाई घर पर बैठे होंगे, देख रहे होंगे तो ऑर्डर बनने का काफ़ी चांस है, वो ही बताया गया है इसमें। तो देखते हैं भाई कितने के ऑर्डर बढ़ते हैं, मतलब कैसे के ऑर्डर आते हैं। तो चलिए भाई अपने को 12 बजे जो है लॉगिन करना है, यानी ऑनलाइन करना है ताकि ऑर्डर आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी जोमेटो की लोकेशन में और कैमरे करते हैं अभी बंद। तो भाई पहली बार ऐसा सीन हुआ है कि देखो 3:09 हो गए हैं, 12 बजे से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं भाई, अर्निंग 0, ऑर्डर 0, सब कुछ 0। ये देखो 2 घंटे 58 मिनट लॉगिन हो गए मुझे। तो भाई ये वीडियो देखने के बाद राइडर्स बोलेंगे कि भाई तुमने ज्वाइन करा करा के राइडर्स को ऑर्डर कम कर दिए हैं, अब मेरे ऑर्डर मिलेंगे कहाँ से। मेरा ये मानना भाई जितने ज़्यादा राइडर जोड़ेंगे उतने ज़्यादा कंपनी काम बढ़ेगा, उतने ज़्यादा ऑर्डर बढ़ेंगे। अगर कोई भाई सोचते हैं कि जैसे हम मतलब जैसे वीडियो बना के मैं डाल दूँगा और राइडर ज़्यादा जाएंगे तो उनका काम कम जाएगा, राइडर आएंगे काम बढ़ेगा ऑर्डर बढ़ेंगे, जल्दी ऑर्डर डिलीवर होंगे तो कस्टमर और ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, वो वाली बात रहती है। तो आज तो भाई से ऐसा लग रहा है कि सब लोग मार्केट में भी जिए। और हाँ भाई मैच की बात कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में मुझे ऐसा लगता है भाई बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, इसी चक्कर में भले ही खाली पेट बैठे होंगे लेकिन ऑर्डर नहीं करते, देखना पड़ेगा रुको कैसा क्या चल रहा है। शायद पाकिस्तान की बैटिंग थी, यानी अगर इनिंग कम्प्लीट हो गई होगी तब तो फ्री बैठे होंगे, अगर इनिंग कम्प्लीट नहीं हुई होगी तो अभी ऑर्डर ऑन नहीं आने। इंडिया पाकिस्तान मैच में तो भाई बाकी है कि गाय की भूख गाय का क्या, देश का सवाल है।
और अर्निंग की बात करूँ, भाई जोमेटो का अर्निंग यार पता नहीं किस हिसाब से है आजकल, बहुत डाउन हो गई है भाई। कंपनी पैसे घटा रही है, क्या कर रही है, या कंपनी को लॉस हो रहा है, भगवान जाने क्यों घटा रही है। सारी लोकेशन में भाई, बाहर जो वो अदर लोकेशन थी जहाँ ज़्यादा पैसे थे वहाँ भी कम गए। ऐसा नहीं कि हम अपने भोपाल में भाई पैसे कम हुए हैं, बाकी लोकेशन में भी पैसे कम हो गए। 137 पे 7 ओवर कौन सा चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, एक मिनट, 18 ओवर होगा ये, अभी तो दो दो ओवर और बाकी हैं, इनिंग अभी कंप्लीट नहीं, ख़त्म नहीं हुई। अगर अपन ऑनलाइन रहेंगे कोई ऑर्डर नहीं आएगा, तो जो इंसेंटिव है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आज 250 रुपये है इंसेंटिव। अभी एक दिन पहले व्हाट्सएप पे भाई मैंने एक मीम देखा था, जोक देखा था कि किसी के हाथ आया बोनस तो किसी के हाथ आई मिठाई, हम तो बेरोजगार है साहब, हमारे हाथ आई घर की सफाई। तो ऐसा ही सीन है भाई, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनसे मम्मी और बहन जो है घर की सफाई करा लेते हैं। सेम सीन हमारे साथ भी है। हम तो हालांकि मतलब मैं तो भाई रूम बना रहा था, वरना हर साल घर की सफाई करानी पड़ती है, तो इस बार क्या है कि घर की सफाई से खतरनाक काम चल रहा है। अभी पैर में सिमट लगी हुई है, चप्पल बिल्कुल ख़राब हो चुकी, मतलब सफ़ेद फट हो रखी है एकदम, सिमट जाती ही नहीं भाई। तो इतनी सारी बातें हो गई भाई, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो भाई सामने रेस्टोरेंट शर्मा विष्णु हाई ऑर्डर एरिया, यहाँ पे आ गया भाई, और आज भाई किसी के पास ऑर्डर नहीं है, सब खाली बैठे हैं। सामने देखो राडर यार, राडर भाई बैठे अपने सारे वहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो सबके सब खाली भाई, आज किसी के पास ऑर्डर नहीं। तो भाई अब जो है हाई ऑर्डर एरिया हम आ गए हैं, और यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया हाई ऑर्डर एरिया भाई, अद्याज जोमेटो में रूम पे आ गया, खाना खा लिया, और अभी दिखाता हूँ क्या स्टेटस है। देखो 6:29 हो रखे हैं भाई, 6:30 बज गए हैं, और अभी तक देखो भाई कोई ऑर्डर नहीं, 0 ऑर्डर 0 पे आउट। इससे बढ़िया तो भाई मैं सब्जी बेच लेता। आलू ले लो, कांदे ले लो। आज बीर सिंह भाई भी काम कर रहे हैं, तो चलो बीर सिंह भाई को लगाता हूँ और उससे पूछते हैं उसके कितने ऑर्डर हुए भाई आज, क्योंकि वो भी शायद सुबह 12 बजे से ही काम पर है। हेलो, कहाँ पर है? हेलो है 10 नंबर मार्केट। अच्छा, टोटल कितने ऑर्डर हुए? वो एक बड़ा जो ऑर्डर लगा था 160 का, उसके अलावा? हाँ वो 191, 191 का बना। और उसके अलावा कितने ऑर्डर और लग गए? एक मिनट, अभी या ऑर्डर डिलीवर कर दूँ, बता हाँ रहा हूँ, रुकियो। हाँ कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रुको एक मिनट एक मिनट। तो हरीश भाई को भाई एक ऑर्डर अच्छा लग गया था 441 का। उस ऑर्डर के बाद कितने? वो तेरा पहला ऑर्डर था कि दूसरा ऑर्डर था जो 190 वाला था? अरे वो तो ऑर्डर तो गिरा ही रहा यार, बहुत ऑर्डर रहेंगे अपने एमपी नगर में। मैं भाई 9 घंटे हो गए अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आओ, एमपी नगर साइड आ रहा है क्या ऑर्डर? हाँ एमपी नगर में, और वो 10 नंबर मार्केट में पूरे मॉडल ही ऑर्डर है। कितने ऑर्डर हुए टोटल? एक मिनट, 5 ऑर्डर। 5 ऑर्डर है ना? 5 ऑर्डर, वो एक ऑर्डर 200 का डालो तो 300 का काम हुआ 4 ऑर्डर में ना, हाँ है ना? चल ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ था भाई, आज तक नहीं हुआ भाई 9 घंटे में एक ऑर्डर नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी जोमेटो में, आज पहली बार है ऐसा। ओहो स्टार बना दिया यहाँ तो, कितने स्टार हैं, 3 स्टार बजा। तो भाई बीर सिंह के यहाँ आ चुका हूँ मैं, और अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं है भाई। बीर सिंह को भी ऑर्डर नहीं है, बीर सिंह भी ऑनलाइन नहीं है। देखो इसमें, ये देखो हाई ऑर्डर ही हम फिर हैं अपन, मैं भी ऑनलाइन हूँ भाई। तो बीर सिंह को क्या है, बड़े बड़े ऑर्डर लग गए हैं, देखो 441 इसकी अर्निंग हो गई। अरे ये दिख क्यों नहीं रहा स्क्रीन पर? हाँ 441 इसकी अर्निंग हो गई, और ठीक ठाक ऑर्डर लगे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर लगे, 51, 75, 64, 191, ये मल्टी ऑर्डर थे भाई। 191 को जो बता रहा था भाई वो मल्टी ऑर्डर था, और 69 ऐसे करके भाई के जो है बन गए 441। तो चलो ये भी ऑनलाइन है, अभी 11 बजे तक ये भी करेगा, देखते हैं 12 बजे तक करेगा ना भाई, 12 बजे तक बीट सिंह करेगा, देखते हैं इसकी क्या रनिंग होती है बाकी। चलो अब देखते हैं भाई, अब तो अपना तो टाइम ही ख़त्म है, 10 तो बजने वाला है, 1 घंटा और करना है। एक भी नहीं ऑर्डर आया, एक भी नहीं है भाई पे आउट में, देखो 10 घंटे होने वाले हैं मेरे, एक भी ऑर्डर नहीं आया 10 घंटे में। ट्रेजडी भाई, देखो अगर ऑर्डर होते हैं तो अपन बताते हैं कि ऑर्डर हैं, ऑर्डर नहीं है तो भी अपन बता रहे हैं भाई ऑर्डर नहीं है, मतलब साफ बोलता हूँ भाई अर्निंग नहीं है, बहुत कम गई। और पहले भाई जब अर्निंग थी अपन बिल्कुल वीडियो में बताते थे कि भाई यहाँ अर्निंग है,
तो उस समय कई भाई लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भाई अर्निंग नहीं। तो अपन देखो भाई जो बात है क्लियर बोलते हैं, अभी नहीं है अर्निंग, पहले थी तो पहले बोलते थे, अभी नहीं है अर्निंग तो नहीं बोलते हैं। तो चलो 1 घंटा बचा, 1 घंटा में क्या आना भाई, जो भी है देखते हैं। आया ऑर्डर तो ठीक, नहीं आया तो ये वीडियो शायद ख़त्म हो जाएगा भाई यहीं पर। 57 मिनट पर आज का पहला ऑर्डर आया, चलो एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से भाई? फितूर। चलो आज का पहला ऑर्डर आ ही गया भाई 10 बजे। नया रेस्टोरेंट खुला है, पहले तो नहीं था ये। आज रेस्टोरेंट वालों से पूछेंगे उनके पास कैसे का ऑर्डर आए, क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर ये पहला है जो कि 10 घंटे में लगा है। भैया आज आज ऑर्डर कैसे आया आपके पास? हाँ मतलब आज जोमेटो में ऑर्डर कैसे आ रहे हैं आपके पास, मतलब कितने ऑर्डर लगे नॉर्मली, मतलब बाकी दिनों के हिसाब से ज़्यादा लगे कम लगे? आज ज़्यादा आ रहे, बस ये पूछ रहा हूँ। मेरा ये 10 घंटे में पहला ऑर्डर है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कैसे ऑर्डर आ रहे। अच्छा 10-12 ऑर्डर, ठीक है भैया पिकअप। ठीक सर, थैंक यू। हाँ सर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं कभी कभी, मतलब जोमेटो में कैसे क्या अर्निंग वगैरह होती है वो दिखा देते हैं। YouTube का नाम क्या है? मेरा सेवा सिलावट। YouTube पर डालते हो क्या वीडियो? जी, एक सेकंड, आपकी वीडियो आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आ सकती है। क्या करना क्या है मतलब? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब आपको पूछ लेते हैं। डालो, क्या डालना है? ठीक है सर, ये नाम है चैनल का। ठीक है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है यार, 28,000। धन्यवाद सर। तो भाई दिल खुश हो गया आज तो, कस्टमर ने तारीफ़ कर दी कि ब्लॉगिंग कर रहे हो बहुत बढ़िया, वीडियो डालने के लिए परमिशन भी दे दी, धन्यवाद सर धन्यवाद। तो आज के फर्स्ट ऑर्डर मैंने भाई 59, अब देखते हैं अगला ऑर्डर कब आता है। अभी अभी आधा घंटा हो रहा है अपने पास, 9:10:23 हुआ है। तो भाई आज का दूसरा ऑर्डर 2 मिनट बाद, यानी 10:10:23 पे डिलीवर किया था, 2 मिनट बाद फिर दूसरा ऑर्डर आ गया भाई, इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहला ऑर्डर आया उसके जस्ट बाद दूसरा ऑर्डर, पहले 10 घंटे में ऑर्डर नहीं आ रहा था, अभी 2 मिनट में ऑर्डर आ गया। जाओ तो भाई आज का दूसरा ऑर्डर भी पिकअप, और इसको लेके चलते हैं कस्टमर के पास। और अभी 10:41 हो गया भाई, अब 10:50 पे ये ख़त्म हो जाएगा 11 बजे का। हाँ, दिख गया मुझे। गिरेगा तो नहीं? ठीक है, तो चलो भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर, चलते हैं। इस तरह से भी डिलीवरी हो जाती है भाई कभी कभी। तो आज की फाइनल अर्निंग हुई भाई, इसमें 46 मिले, लेकिन बंद करना पड़ेगा नहीं तो फिर से ऑर्डर आ जाएगा और बहुत दूर का ऑर्डर आ जाएगा। तो आज की फाइनल अर्निंग हुई 106 रुपये हुई भाई, इसमें दिख रहा है तो आपको। लास्ट दो ऑर्डर भाई जस्ट अभी लगे, वरना आज कोई ऑर्डर लगा ही नहीं था ये मान लो। तो इस वीडियो को भी यहीं से करते हैं बंद, चले भाई बाय बाय।